सुनाओ, सही सब चल रहा है। अच्छा था, जो भी मदद हो गया अच्छा भाई, मैंने म्यूट कर दिया इमरान, आपको आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रही थी थोड़ी सी, आज के लिए इसी कर दिया। बहरहाल किसी को भी सवाल पूछना हो तो हैंड रेस कर लेना, मैं माइक खोल दूंगा उसका। सही है, दोनों लोगों को अगर समझ आ गई है तो चैट पे यस लिख दे। ठीक है आयशा, आपको भी समझ आ गई। नहीं, मैं ज़ूम कर लेता हूँ, समझ आ गई। ठीक है भाई, देखो मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है। अच्छा आयशा, आपने कभी पहले पढ़ा है तो मुझे भी चैटी को बता दीजिएगा, मतलब आपने इसे कभी पढ़ा है पहले या फिर न्यू टॉपिक है आपको? नहीं पढ़ा। सही है, सिलेबस में है आपके, मैंने कोड देख लूंगा आपको दोबारा, क्योंकि एक कोड ऐसा होता है जिसमें मैट्रिसेस नहीं होता, लेकिन बहरहाल मैं कोड बाद में देख के बता दूँ। देखो मैट्रिसेस जो होते हैं ना, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होते हैं। किस सूरत में, कैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। क्योंकि चाहे कोई सा भी कोड हो, ओ लेवल में आपका मैट्रिसेस मैट्रिसेस जो है ना, इतना वो नहीं है, मतलब डेटा रिप्रेजेंटेशन तो करेगा, सब कुछ करेगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है मैट्रिसेस की, और ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। ऑर्डर भी वो पूछते नहीं है आपसे, आपके सीआईएस में ऑर्डर नहीं पूछते, लेकिन वो नेसेसरी होते हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो इसलिए मैं अब आपको करवाऊंगा मैट्रिसेस। आवाज क्लियर है ना दोनों लोगों को? ठीक है, अच्छा अब किस फॉर्मेट में होती है? देखो भाई, रोज एंड कॉलम में, रोज एंड कॉलम में किस तरह? भाई मैंने कहा कि अब इस सिर्फ एक सिंपल मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, उस मैट्रिक्स लिख रहा हूँ उसमें कोई भी मैं वो इंक्लूड नहीं कर रहा कि ये रोज में क्या डेटा है और कॉलम में क्या डेटा है। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस चीज में कौन सी रो होगी, कौन सी कॉलम, क्योंकि मिसकॉन्सेप्शन इसमें भी होता है बच्चों को, कंप्यूटर वाले बच्चों को फिर भी कम होता है, लेकिन नॉर्मली बच्चों को होता है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे कोई एक सिंपल सा कोई भी नंबर का रैंडम नंबर का बना लेता हूँ, रैंडम नंबर्स का डेटा बना लेता हूँ अपनी मर्जी से, यहाँ पर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये अब इसमें रोज कौन सी होगी, कॉलम कौन सी होगी, बता रहा हूँ आप क्लियर हो। रोज देखो भाई, रोज जो होंगी ना वो ये होंगी, रोज ये होंगी, रो 1, और ये मुझे ऐसे में रोज चेंज करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन और इसे कह देते हैं रो 2। सही है, रो 1 और रो 2, मतलब इस तरह रो 2, किस तरह मेरे हाथ को देखेगा, अभी हैंड भी आ जाएगा, ये इस तरह रो 2 और इस तरह कॉलम होंगे। अच्छा अब ये 114 के साथ नहीं है, इन केस कंफ्यूज कर रहा हो किसी को तो मैं स्पेस हटा देता हूँ, ठीक है? ये आपका रो 1 हो गया और रो 2 हो। अब आगे चलते हैं, कॉलम क्या होता है, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी मसला नहीं होगा। अच्छा अब क्योंकि यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो मैं C1 से कॉलम 1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, C1 और C2, मतलब कि वर्टिकली जो होंगे वो कॉलम होंगे। अब यहाँ पे और ऐड करते जाओ आता जाएगा, मतलब इसमें पे कॉलम 3 ऐड कर दो, यहाँ पे कॉलम 4 ऐड कर दो, जैसे कि एक मैं आइडिया दे देता हूँ, कॉलम 3 मैंने ऐड कर दिया। ओ वेट वेट वेट, खबर
हाँ कॉलम थ्री कह दिया उसको मैंने, ठीक है। कॉलम थ्री में फिर ये और आगे चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि दो रोज और दो कॉलम के हों, मैट्रिक्स कोई भी उससे ज्यादा के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 34। अच्छा ये यहाँ आ रहा है, इसको भी और मैंने इसको कहा 31, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला कि कॉलम और रोज, अब यहाँ पे रो भी ऐड की जा सकती है, तो वो नहीं है। ये दो मिनट सुबह हाँ भाई यहाँ तक सही है, रोज में होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे थोड़ा सा ये मसला कर रहा है, तो मैं इसलिए इसे ऑर्गेनाइज ही कर रहा। यहाँ तक कोई मसला आया कि रोज और कॉलम के आइडेंटिफिकेशन मसला है, तो मैं ऑर्डर पे चलो फिर आगे। कोई मसला है तो नो, ठीक है। अब देखो इसको ऑर्डर कैसे रखेंगे, जो ऊपर वाले मैट्रिक्स है ना, ये देखो इस कॉलम वन में 4 और 13 है, कॉलम टू में 12 और 56 है, और कॉलम थ्री में 34 और 31 है। इसी तरह रो वन में 4, 12 और 34 है, रो टू में 13, 56 और 31 है। अच्छा ये जो 4, 12, 34, 13, 56, 31, इनको आप रो दो कॉलम के उससे तो डिस्टिंग्विश कर रहे हो कि अगर मैं कहूँ कि भाई 34 की लोकेशन बताओ, तो आराम से बता सकते हो आप लोग कि रो वन में वो और कॉलम थ्री में, तो मेरे भी समझ आ जाएगा हाँ भाई 34 की बात हो रही है। मतलब 34 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रो वन में और कॉलम थ्री में। लेकिन इसको ऑर्डर कैसे बताएं कि भाई कुल टोटल आपके मैट्रिक्स में है कितनी चीजें, तो उसके एक आसान सी चीज है कि जब भी ऑर्डर लिखते हैं ना आप मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसका तरीका ये होता है कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर नहीं लिखना। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम मतलब रोज यहाँ पे 2 है और कॉलम यहाँ पे 3 है, तो आप इसको ऑर्डर बोलोगे। 2 बाय 3 भी कहते हैं कुछ लोग, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कहते हैं। हमेशा पहले रो का नंबर आएगा कितनी रोज है, फिर उसके बाद कॉलम का नंबर। यहाँ तक कोई मसला, ऑर्डर समझ आ गया किस तरह? कोई मसला है तो बेझिझक पूछना, ताकि मैं फिर चलूँ आगे एड्रेस। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? वैसी बात छोटी सी इंफॉर्मेशन जो ना समझ आ रही है। इमरान, आयशा, कोई मसला नहीं? इमरान सर, 1 बार भी मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना ना, मतलब इसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 नहीं कर सकते, इट वुड बी रॉन्ग। यही तो चीज है। देखो इसके एग्जांपल ये ले लो कि हम कहते हैं, एक मिनट एक मिनट, मैं एक चीज से पूछना भूल ही गया। ऐसे उर्दू समझ आती है क्योंकि तो फॉरनर है आप? अच्छा तो समझ आती है तब भाई। हाँ इमरान में ये बोल रहा था कि नहीं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तुम अगर अपनी बेड की लेंथ देते हो, तो अगर तुमने दी हो कभी तो पता होगा कि हमेशा ये कहते हैं हम कि भाई 8 फुट 2 फुट, 8 बाय 2 फुट है, ठीक है। 8 बाय 2 फुट बहुत छोटा बेड है ब्रेथ के हिसाब से, एक वैसे बता रहा हूँ नॉर्मल एग्जाम्पल। तो हम कहते हैं 8 बाय 2 फुट, वो असल में क्या होता है 8 फुट मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो इसी तरह इस मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ना, तुम कभी भी कभी भी कभी भी ये नहीं करोगे कि दोनों चीजों को मल्टीप्लाई, के बच्चे कर देते हैं, इसलिए मैं इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ कि इस पे ये नहीं करना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6, फिर ऑर्डर कहाँ रह जाएगा? बंदे को समझ ही नहीं आएगा कि भाई 6 रोज हैं, 2 रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं, कितनी रोज हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका फाइनल आंसर होगा अगर आप ऑर्डर बता। मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ। हाँ भाई समझ आया? कोई आप भी मसला है तो क्लियर से, ठीक है। अच्छा भाई सही, आगे चलता हूँ। देखो इसमें ज्यादा इतना लंबी कहानी नहीं करनी। अब मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे और सब्स्ट्रैक्ट, पहले तो ये था। अच्छा इसके अलावा ये तो मैंने देखो समझा दिया, अगर मैं कहूँ 31 का एड्रेस क्या है
ऑल आर एलिमेंट्स, ये फोर भी एलिमेंट है मैट्रिक्स का, 12b 34b 13b 56b 31। लेकिन मैं कहूँ भाई मुझे ये बताओ कि, बल्कि तुम ही लोगों से मैं सवाल पूछूँ, मुझे ये बताओ कि रो वन तो इसका लिख सकता हूँ R1 column 3। अच्छा नहीं, एक मिनट, रो टू कॉलम थ्री में तो 31 है। अच्छा, हाँ सही है, वो मैंने बोला था ना, सही है, ठीक है ठीक है। अभी बताओ मुझे रो वन, अच्छा ये भी समझ लो, यहाँ पे जब बात हो ही रही है कि जब भी तुम किसी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स है जब भी बताओगे एड्रेस, एड्रेस मतलब उसका पता उस मैट्रिक्स में, तो हमेशा रो पहले लिखोगे, कभी भी कॉलम थ्री रो वन नहीं लिखोगे, मैट्रिक्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी उससे। तो इसलिए ये करते हैं कि 2 × 3 को भी रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में। इसी तरह जब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं एलिमेंट का, तो R1 column 3 मतलब R पहले लिखते हैं, रो नंबर ऑफ रो पहले लिखते हैं और कॉलम नंबर बाद में लिखते हैं। अब मुझे बताओ रो 1 column 3 में कौन सा एलिमेंट नंबर में, बताओ। हाँ नंबर बताओ ना, रो 1 column 3 ये मैंने एड्रेस पे, हाँ 34। और इमरान तुम नहीं समझ आ रहा तो मैं दोबारा बता देता हूँ, रो 1 column 3 में कौन सा नंबर है, रो 1 column 3। ओके हाँ कौन सा, 34 है, समझ आया। हाँ कोई मसला नहीं, समझ आया, रो 1 column 3 में कौन सा, ठीक है। अगर मैं ऐसी तरह कहूँ कि आप रीड करवा दे तो मैं और चीज़ है कि रो 2 column 2 में कौन सा, तो इमरान पहले बताओ कौन सा है यहाँ, ताकि मुझे समझ आए कि तुम्हें समझ आ गया। 56 रो 2 column 2, वेरी गुड। और अगर मैं कहूँ रो 1 column 2 तो कौन सा, हम हमेशा रो को हॉरिजॉन्टली देखते हैं और कॉलम को वर्टिकली देखते हैं। हम हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रो नंबर पहले लिखते हैं, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे तुम लोग को समझ ना आए तो नंबर ऑफ रोज, रोज लिखो, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्ड, ये लिखना नहीं होता, पेपर में ऑर्डर पूछते हैं तो डायरेक्ट लिखना होता है, वैसे वो पूछते नहीं है, आपको मल्टीप्लिकेशन में जरूरत पड़ती है अभी आगे जाके पढ़े। अब मैं तुम लोग को जो सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, इसलिए मैट्रिक्स बहुत इजी सी चीज है, जल्दी हो जाएगी। पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ, नंबर टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद सिखाऊंगा पहले तो फोर लिख दिया, थ्री लिख दिया, टू लिख दिया, चलो 12 लिख दिया, 17 लिख दिया, 15 ले लो, 3 ले लो, 2 13। अब मुझे बताओ पहले तो इस मैट्रिक्स को मुझे प्राइवेट मैसेज करना, वरना दोनों लोग ऐसा ना मत हो जाए, तो एवरी वन से हटा के मेरे पे ले आओ प्राइवेटली। तो पहले मुझे इस मैट्रिक्स के आप ऑर्डर बताएंगे, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स। अच्छा मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने से पहले एक चीज़ और बताता चलूँ, मैट्रिक्स को बंद करना पड़ता है ब्रैकेट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ब्रैकेट का ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैट्रिक्स को हमेशा बंद करोगे ऐसे ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट, हमेशा मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करो। मैं यहाँ नहीं कर रहा, बहुत दिल में जुड़ेगी, लेकिन आप हमेशा बंद करो।
हाँ भाई बताओ मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है। हाँ सही बताया इमरान, रो इनटू कॉलम ये मुझे पता है, नंबर बताओ ना रो इनटू कॉलम। नहीं समझ आया, कैंडिडेट ठीक है। तो मतलब तो यहाँ पे तीन रोज हैं, 1 2 3, और तीन कॉलम है 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा इसका ऑर्डर। अब समझ आया, बहुत आगे क्वेश्चन आएंगे। आयशा ने तो सही जवाब दिया था, अभी बहुत आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मसले की बात। अब मैं कहूँ आप यहाँ से ट्रिकी हो रहा है कि ये मैट्रिक्स से ऑर्डर बता दिया आप लोगों ने, इस मैट्रिक्स को मैंने बंद कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट मैं इसके नहीं कर रहा, मुझे आगे कुछ लिखना भी है, तो उस पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से लगाया, जगह नहीं बचे। मैंने कहा भाई कि इसको मल्टीप्लाई करना है सिंगल नंबर 3, अब कैसे मल्टीप्लीकेशन होगी इसकी, तो बहुत आसान सा रूल है इसका, याद रखना ये 3 जो है ना वो हर एलिमेंट से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। एक सवाल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा अब तुम लोग उनको मल्टीप्लीकेशन करके तो वैसे नहीं दिखानी पड़ेगी। ओ वेट वेट वेट, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर, तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो सबसे पहले चीज तो देखो कि हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ठीक है। आप कैसे करोगे ये तो सिंपल है, देखो भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, अच्छा ये मैट्रिक्स बन जाएगा कुछ इस तरह, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टी, अभी मैं लिख भी रहा हूँ पहले तुम लोग के दिमाग में बैठा लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और फिर 3 मल्टीप्लाई होगा नीचे वाली रो से, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 45, 3 मल्टीप्लाई बाय 17, एक मिनट रुको, 52 नहीं 51 51, और 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा सबसे नीचे वाली रो से, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और 3 मल्टीप्लाई बाय 13 39। यहाँ तक कोई मसला अभी लिख भी रहा हूँ, पहले बताओ ये दिमाग में बात समझ आ गई। अच्छा इमरान से तो मैसेज आ गया, अच्छा ठीक है मैं लिख रहा हूँ, समय मेरा कीबोर्ड आज पता नहीं क्यों मसला करता है। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, बहुत दूर हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और नीचे आ जाओ 3 मल्टीप्लाई बाय 15 45, थ्री मल्टीप्लाई बाय 2 45, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 17 51, सेकेंडली 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36। आप नीचे आते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, बिल्कुल सिर्फ आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है ईच एलिमेंट, और ये हो जाएगा 30। अभी मैंने कर दिया, दिख भी रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे ऑर्डर सेम आएगा आंसर का जो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर था, मैट्रिक्स जो क्वेश्चन का ऑर्डर था। बताओ ये वाली क्या क्वेश्चन समझ आई।
इमरान, आयशा, यहाँ पे कोई मसला, कोई कैलकुलेशन पे नहीं समझ आए? नहीं, अच्छा नहीं, सवाल नहीं है फिर, क्या समझ नहीं आया? राइट दोस्तों, अमरान आप समझ आ गई बात, या माइक खोलूं कुछ बात पूछनी? क्लियर से, ठीक है। अब देखो इसी तरह डिवाइड में भी होगा, डिवाइड में भी दिखा देते हैं आपको डिवाइड में कैसे होगा। फिर मैट्रिक्स बनाते हैं एक, अब की ये वाला, और इसमें मैं लिखता हूँ नंबर 12, अभी आसान नंबर लिख रहा हूँ 15, और लिखते हैं भाई 300, सही है। और इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लिख के आओगे एग्जाम में तो गलत हो जाएगा। तो इसको हमेशा याद रखना कि एनक्लोज करना है, मतलब बंद करना है स्क्वायर ब्रैकेट, बिल्कुल इस तरह जो हमने बनाया। और मैंने कहा भाई इसको डिवाइड कर रहे हो, बिल्कुल कह देते हैं भाई कुछ अकल लगा के बता सकते हो? अब मैं यहाँ देखो, पहली बात तो ये तो कंफर्म है कि जो आंसर होगा ना वो हमारा हमेशा मैं मैट्रिक बना रहा हूँ दोबारा। अब यहाँ पे मुझे बता दीजिए फुट क्या था, जो अभी मेरा कर्सर जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है वहां पे क्या आना चाहिए? 3 ऐसा क्या पूरा मैट्रिक डिवाइड हो रहा है? 4, जबरदस्त इमरान, हाँ इमरान तो मुझे लग रहा है 4, 5, 30 तीनों बता दिए, जबरदस्त। आयशा कैसे आए पता चला? 4, 5, 30 30 कैसे आएगा? 4, 500, हाँ कैलकुलेशन एरर है इमरान का, चलो हो जाता है। 3, 30 90 होता है इमरान, 3 को जब डिवाइड करते हो 300 से तो 100 आता है, सही है। चलो कौन मतलब इसको एनक्लोज कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 40% के चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। मुझे पहले ये बताओ मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स की रोज एंड कॉलम, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स का नंबर से मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का नंबर से डिवीजन, और ये समझ आ गई है सारी बातें? तो मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे चलूँ, कोई छोटा सा भी सवाल है तो बता पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। क्लियर सर? ठीक है जी आयशा, तो सवाल तो नहीं, अंडरस्टूड, समझ आ रहे हैं या फिर बस? ठीक है, अच्छा भाई अब चलते हैं मैट्रिक्स के एडिशन की तरफ। अब यहाँ पे थोड़े से मामला आपके कह सकते हैं बिट टेढ़े हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा देखना पड़ता है चीजों को। अगर मैं कहूँ ये एक मैट्रिक्स है 2x2 का, अब 2x2 का मतलब समझ आना चाहिए, 2x2 का मतलब 2 रोज और 2 कॉलम, और एक और मैट्रिक्स है जो कि प्लस हो रहे हैं आपस, बना रहा हूँ अभी मैं वैल्यूज में इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज भी पुट कर देते हैं, इसकी इसकी वैल्यू है 4, इसकी 5,
मुझे वैल्यू इनपुट करने के बाद जाना चाहिए। और क्या देते हैं इसकी है 9। अब इसे एनक्लोज कर देते हैं एक ब्रैकेट में। बहुत वो मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं दे रहा हूँ, डिफिकल्ट भी आ जाएगी तो अब आप लोग कर लेंगे। और इसी तरह मैं कहता हूँ भाई ये भी एक मैट्रिक्स है, इसमें 12 है और 45 है और 31 है और कहते हैं भाई 10 10। ये भी मैट्रिक्स है, ऐसे भी एंक्लोज कर देते हैं ब्लू ब्रैकेट से। आप ब्लैक से भी किसी से भी कर सकते हैं, वो ब्रैकेट आपके स्क्वायर होने चाहिए। तीन टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं, एक तो होता है सर्कल ब्रैकेट, उसमें आप मैट्रिक्स को कभी भी इंक्लोज नहीं करते हैं। एक होता है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली बन जाए लग रहे हैं कर्ली होता है थोड़ा सा, मेरा कर्ली नहीं बना ऊपर से स्क्वायर बन गया, उसमें भी नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे। अब इन्हें प्लस करना है तो देखो बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझने के बाद जब इन्हें प्लस करोगे ना आप लोग तो होगा कुछ यूँ कि 4 प्लस होगा 12 से, मतलब पहली रो का पहला कॉलम में जो नंबर है जो एलिमेंट है वो प्लस होगा दूसरा जो मैट्रिक्स है उसकी पहली रो के पहले नंबर के कॉलम में। मतलब कि यहाँ पे अभी मैं एरो भी बना देता हूँ समझ आ जाएगा और अच्छे से। ये 4 प्लस होगा 12 से और ये 5 से प्लस होगा 45 से और ये 9 प्लस होगा 10 से, ये 6 प्लस होगा 31 से। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं कर रहा हूँ, अच्छा 10 में 12 मीटिंग एंड हो जाएगी, मैं कोशिश करता हूँ कवर हो जाए, नहीं होता तो 5-10 मिनट के लिए दोबारा अटेंड कर देंगे। अच्छा भाई यहाँ तक कोई मसला, मेरी आवाज़ क्लियर है? ठीक है, आप यहाँ पे भाई 4 प्लस 12 हो जाएगा 16 और फिर 5 को प्लस करोगे 45 से तो हो जाएगा 50, फिर 9 प्लस 10 19 एंड 6 प्लस 31 37। ठीक है, सही बोला था, ठीक है, वेरी गुड आयशा आपको समझ आए। अच्छा इसको इज इक्वल टू लिखा दें ताकि पता चले और ये भी बंद हो जाएगा इस तरह। अब सब्ट्रैक्शन पे ऐसे हो बिल्कुल सिमिलर इसी तरह होगी, बस सब्ट्रैक्शन में एक मसला आ जाता है थोड़ा सा, सब्ट्रैक्शन में ये मसला आ जाता है थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और, ये मैट्रिक्स है ठीक है और देखते हैं तुम लोगों को क्या ख्याल है, और एक कह लें ये मैट्रिक्स है तो इनको ऐड कर सकते हो कभी? ऐड हो सकते हैं, मैं एलिमेंट के नंबर नहीं लिखता, अभी लिख भी देता हूँ तो मैं ब्रैकेट से नहीं बन रहा है नो लेकिन हाँ मेरा ऐड हो सकते हैं। सर इफ आई एम राइट, नो सर, हाँ सही बोला है आयशा, क्यों नहीं हो सकता भी सुनना था, नहीं गलती कर सकता हूँ बात कहते हैं भाई ये 3 है ये 2 है सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं या नहीं है, ये नहीं चेक करेंगे तो आपका नहीं समझ आएगा। ये कह लेते हैं 45 है और नीचे कह लेते हैं 10, ये हो ही नहीं सकते क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी होगी मैट्रिक्स की इट इज नेसेसरी कि उनके ऑर्डर सेम, तो यहाँ पे एक रूल बन जाता पहले तो ये लिख देते हैं भाई नॉट पॉसिबल, इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो पॉसिबल नहीं होती। तो अब क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल, Above question is not possible. ठीक है,
और नीचे एक नोट भी बना लेते हैं ताकि पढ़ने आप लोग नोट्स वगैरह से याद हो। नोट फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इट इज नेसेसरी दैट देयर ऑर्डर्स दो मल्टीप्लाई आर सेम। ये ब्रैकेट ऐसे लिखा है कि अगर किसी को पढ़ते वक्त समझ ना आ रहा हो तो भाई ऑर्डर क्या होता है उसको ये पढ़ के समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एडिशन। अच्छा देखो यहाँ पे इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इन केस चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं प्लस की, ताकि प्लस तक खत्म हो जाए, फिर आपका सिर्फ इनवर्स रह जाएगा, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन लेकिन मैं एक चीज और करवा देता हूँ। भाई देखो अगर अगर एक मैट्रिक्स की हो, कह लेते हैं एक मैट्रिक्स ये हो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो नहीं, नहीं। बेस्ट क्वेश्चन, हाँ ऐसा आपको तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आयशन आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, कोई क्वेश्चन तो नहीं। हेलो, नहीं मैं इमरान, तुम्हारी तो आवाज आ गई मुझे। हाँ लीव कर, सही है, खोल लो माइक, खोल लो। ऑब्वियस बात, हाँ सर, हाँ भाई यहाँ तक नहीं समझ सर, आया सारा, हाँ जी सर, ये तो क्लियर हो गया। चलता जा रहा है आगे, रुकना तो पड़ता है, रुकने का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ये तो क्लियर हो गया, वो एडिशन वाला भी रिफ्रेश हो गया सर, मेरे माइंड में क्यों, समझ में तुमने आ पहले गया। पढ़ा था कभी? हाँ लास्ट पहले किया था। ये मेरे लैपटॉप का मसला। अच्छा भाई यहाँ तक देखो तो मैं सब क्लियर है, तो कहाँ से रह गए इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन। लगता। हाँ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन तो यही है बिल्कुल, और उसमें एक चीज बतानी है जो गड़बड़ होती है, बाकी तो यही है। तो ऐसा ही सर हो ही जाएगा। हाँ हो जाएगा जल्दी, हो जाएगा, थोड़ा सा एंड पे चल रहा है बिल्कुल। यार ये मुझे टेंशन दे रहा है, रुको मैं एक मिनट रुकना, मैं इसे वन नोट पे शट डाउन करता हूँ। अच्छा यहाँ तक देखो सब्सट्रैक्शन भी वही होती है, मैं बता क्या रहा था, ये 2 मिनट में मीटिंग भी एंड होने वाली है तो मैं अपना पॉइंट क्लियर कर दूँ। मैं बता ये रहा था इमरान और आयशा कि जब जब भी अगर ऐसा हो, अभी तो मैंने तुम लोगों को सिर्फ 2 मैट्रिक्स बताया, 2 मैट्रिक्स दिए हुए थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है अगर 3 दिए होंगे तब भी कर लोगे, 3 मैट्रिक्स दिए होंगे सेम ऑर्डर के तब भी कर लोगे? ठीक है
अगर यहाँ तक मेरा पॉइंट क्लियर है, लेकिन देखो अगर एक एग्जांपल करके दिखानी है तो करके दिखा देता हूँ, वरना मुझे एक चीज करवानी थी, नहीं बल्कि हाँ अच्छा लास्ट के देखना काफी है। अब रह जो गया है वो सब्सट्रैक्शन रह गई है एंड इनवर्स रह गया है। इनवर्स थोड़ा सा टफ टाइम देता है बच्चों को, डिटर्मिनेंट भी उसमें पढ़ाना पड़ता है, वरना सब्सट्रैक्शन तो अगली क्लास में हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स टफ टाइम देता है। ठीक है ऐशा, तो कैसी लगी आपको क्लास? इमरान तो समझ ही आया होगा, तो वो था पुराना बच्चा। माइक खोल लें भले से, कोई मसला नहीं। सर मुझे समझ में आ गया सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अगर समझ आ गया तो कोई मसला ही नहीं। अब मुझे अपना सिलेबस कोड बता देना, क्योंकि हो सकता है कि चेंज हो दोनों का सिलेबस, तो सिलेबस कोड लाजमी बता देना। जो मेरा आइडिया है वो आपको सिलेबस कोड एक्सटेंडेड का होगा, तो उसका भूल भी गया, बल्कि सिलेबस कोड तो मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं सिलेबस देख के देख लूँ कि क्या चीज़ों की मैं आपको रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ, क्या चीज़ें करवा सकता हूँ। ठीक है, बाकी बात फिर व्हाट्सएप पे कर लेंगे। ठीक है इमरान और आयशा, अल्लाह हाफिज़। अब सर लास्ट